अहमदाबाद के मालवीय नगर में देश रतन कत्याल कैंप कार्यालय पर रितेश जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में सभी से अपील की गई भारी मतों से जिताने की और कहा, मैं दिन रात आधी रात को आपकी सेवा में सदा खड़ा रहूंगा, जो परेशानी रह रही है उसे पूरा करूंगा। क्या नाम है आपका? देश रतन कटियाल। देश रतन जी, आज किस चीज का उद्घाटन हुआ है और कहां पर हुआ है? सर, ये आज उद्घाटन जो है हमारी चुनाव की जो तैयारियां हैं उसके जो लिए, जहाँ से हमें चुनाव लड़ना है, मालवीय नगर में कनक होटल में हमने उद्घाटन किया है, जो आगे का चुनाव लड़ने के लिए ये हमारा स्थान रहेगा। क्या वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 60। क्या रणनीतियाँ रहेंगी आपकी? रणनीति तो सर, जनता के बीच में 5 साल रहे हम और उसी कामों को गिनवाएंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि हमने जो काम करे हैं, और बाकी तो हमारे सामने कोई ऐसा कंपटीशन है नहीं। दो मतलब हमारे देश की बहुत बेकार पार्टी हमारे सामने जो कांग्रेस है और शिवसेना है, कांग्रेस अपने मुकाबले में मानते नहीं है, इसलिए हमारी रणनीति हमारी जनता के बीच जाए और जो जो कुछ बचे हुए काम रह गए हैं उनको पूरा करने का वादा करें। क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड की? हमारे यहाँ कोई वैसे मुख्य समस्या तो नहीं बची, थोड़ी बहुत तो हमारी कुछ गलियाँ हैं जो बन नहीं पाई हैं, अभी 6-7 गलियों की मरम्मत या उनका बनना बाकी है। उसके अलावा जो मुख्य समस्या है वो हमारे कुत्तों और बंदरों की है, जो हम बार बार अपने अधिकारियों को बताते हैं लेकिन उन पर कोई जू नहीं रेंग रही। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से ये बात जाए, हमारा पूरा शहर इस बात से परेशान है, कुत्ते बहुत परेशान कर रहे हैं, लोग काट रहे हैं, बल्कि कई लोगों को तो जान मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और बंदरों के लिए बस ये कह दिया जाता है कि साहब ये तो हमारे पक्ष में नहीं है, ना कुछ वन विभाग कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप प्लीज़ इसके लिए आवाज़ उठाएं और इस बात पे लगातार अपनी खबरों में रखें। हमारे वार्ड में सबसे मुख्य समस्या इस वक्त कुत्तों और बंदरों की। अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहिए? वार्ड की जनता से तो हम ये लगातार उनके साथ जुड़े रहते हैं, अब ये फिलहाल उनसे आशीर्वाद की अपील करेंगे, क्योंकि दोबारा जा रहे हैं चुनाव में तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो एक बार भारी मतों से फिर से जीतेंगे। कितना रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको वार्ड की जनता का? रेस्पॉन्स तो सर, एक व्यक्ति मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है, मतलब ये समझ लो अपना कोई लड़का समझता है, कोई अपना भाई समझता है, तो मैं तो उनके बीच का सदस्य हूँ, मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ, मुझे ऐसे रेस्पॉन्स मिल रहा है जैसे उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ा। अच्छा, आपकी विजय होती है तो समस्या का किस तरीके से निस्तारण करेंगे वार्ड नंबर 10 तक? सर, अब तो मैं निश्चित तौर पर निस्तारण कर दूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी बड़ी मजबूती से हर जगह सेंटर में भी है और प्रदेश में भी है, और उसके अलावा मुझे 5 साल का पूरा एक्सपीरियंस हो चुका, तैयार हो चुका, जिन बातों को सीखने में मुझे समय लगा, अब मैं वो सीख चुका हूँ, इसलिए मैं कोई भी समस्या बड़ी आसानी से निपटा सकता हूँ।